पहला क्वेश्चन, रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया था, ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1771, ऑप्शन सी 1793, ऑप्शन डी 1786। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1773। क्वेश्चन नंबर दो, महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1858। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1858। क्वेश्चन नंबर तीन देखिएगा, मार्ले मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। ये सही क्वेश्चन इसका होगा, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, ऑप्शन नंबर ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी युद्ध के सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन नंबर सी भारतीयों को भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसमें यह कहा गया था हिंदू मुस्लिम को अलग पृथक निर्वाचन मंडल के रूप में बांट दिया गया है, यानी इन लोगों को अलग अलग कर दिया गया था। इसी में कहा गया था, इसी के उपरांत में फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई गई थी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार देखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए है 1905 में, ऑप्शन नंबर बी है 1911 में, ऑप्शन नंबर सी है 1909 में, ऑप्शन नंबर डी है 1920 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1909 में। क्वेश्चन नंबर पांच है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्य की स्वतंत्रता, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग राज्य की व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो की शक्ति, प्रांतों में दोहरे शासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतों में दोहरे शासन। क्वेश्चन नंबर छह देखिएगा, कैबिनेट 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन से इसका सदस्य नहीं था, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एमरी, बी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सी एपी अलेक्जेंडर, सी डी सर स्पॉट क्रिप्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी, जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर सात है, भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1858, बी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी है मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर आठ देखिएगा, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रस्ताव, डी है भारतीय डोमिनियन स्टेट्स के प्रस्ताव यानी राज्य विधान मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नौ देखिएगा, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1885 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी बी आर अम्बेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक अपने स्वराज नामक पत्रिका में प्रस्तुत किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 दिसंबर 1949। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ऑप्शन नंबर ए है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है सी गोपालाचारी, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों सच्चिदानंद जो सिन्हा थे, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे, जो भारत के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था।